सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 chance, I wanna grow up once again. काश ऐसा मौका जिंदगी हमें दे पाती। बहुत सारे लोगों को पूरी जिंदगी जी लेने के बाद ऐसा ही लगता है, क्योंकि बाकी होता है एक शून्य, बिग जीरो। लेकिन इसी शून्य से शुरुआत भी तो हुई थी ब्रह्मांड की। एक छोटे से परमाणु के विस्फोट से हुई थी ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत, तकरीबन 138 करोड़ साल पहले। अब आप समझें कायनात ने और आपके पुरखों ने कितनी मेहनत ली है आपके इस संसार के लिए, और कितने भाग्यवान हो आप कि इस युग में आप जी रहे हो। जब चाहे तब बिजली का इस्तेमाल कर सकते हो आप, लंबी दूरी कुछ ही घंटों में तय कर सकते हो आप, किसी से भी संपर्क बड़ी आसानी से कर सकते हो आप। न जाने कितने उपकरण हैं आज आपका काम आसान करने के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कमाल से तो सारी दुनिया मुट्ठी में कर ली है आपने। हीरो है हीरो, फिर भी आप अपने आप को समझते हैं जीरो। बस इरादा बना लो ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल लगने लगेगा कद आसमान का। सन 1980, कंप्यूटर का दौर तो शुरू हो गया था, लेकिन उसे ऑपरेट करने का ज्ञान आम इंसान के पास नहीं था। लेकिन कुछ पागल होते हैं जो हर मुश्किल का सामना करना चाहते हैं। वो ना वैज्ञानिक थे, ना एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उनके पास थी बड़ी लागत, थी
सिर्फ जिद और था विश्वास अपनी कोशिशों पर। भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। 65 साल का एक बंदा जिसे लगभग 1000 बार रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसी होटल की चेन खड़ी कर दी। लाखों में किसी एक के पास ही ये जिद, ये पागलपन होता है, और वो ही कुछ हट कर दिखाता है। ऐसी ही अलग सोच से अपनी बेहतरीन क्षमताओं के साथ दुनिया का भला करने का निश्चय लेकर आ गए एक महान क्रांतिकारी, माननीय श्री समीर अग्रवाल। जा रहा है टाइगर ऑन मिशन दोबारा। भारत स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन विचारों की गुलामी से मुक्त नहीं हो पाया था। जिंदगी के पन्ने तो पलट रहे थे, लेकिन उस पर सारे लोग वही घिसी पिटी कहानी लिख रहे थे। अपने बारे में सोचना ये प्रकृति है, समाज के उन्नति के बारे में सोचना संस्कृति। तभी तो भारत के घर घर में खुशियों का पैगाम भेजने के लिए समीर जी ने स्थापित की सागा। सागा। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।
समृद्धि का इरादा, सफलता का वादा, सागर। हौसले जिनके बुलंद है उनका हमेशा स्वागत करती है सागा। स्त्री, पुरुष, जात, धर्म, पंथ, अमीर गरीब के परे जाकर मेहनत को मंजिल की राह दिखाने वाली सोच सागा। आपका ज्ञान, अनुभव यहां पूछा नहीं जाता, कोशिश करने वालों की जीत निश्चित करती है सागा। हर जीरो को हीरो बनने की प्रेरणा देती है सागा। भारतवर्ष में स्वर्ण युग लाने की उम्मीद बरकरार रखी है माननीय श्री समीर अग्रवाल जी ने। अपने मुखालिफों को ललकारते हुए उन्होंने कहा था, आती रहेगी जाती रहेगी लड़की, और बस तो आती है जाती है, कंपनियां भी आती हैं जाती है। पर हम यहां पर टिकने के लिए आए। आज हमें करीब करीब 7 साल हो चुके हैं मैच्योरिटी मार्केट में देते 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 देते। वादों के सच्चे समीर जी आज भी शानो शौकत के साथ सागा का परचम देश विदेश में लहरा रहे हैं। देश की उन्नति देश के लोगों की उन्नति से जुड़ी होती है। एक एक नागरिक को आर्थिक आजादी दिलाकर भारत को आर्थिक महासत्ता का सरताज बनाने का मंत्र देने वाले सागा के आर्थिक सलाहकार श्री आर के शेट्टी। इज्जत की नजरों से देखे इन्हें सारी दुनिया, अपनी मेहनत से कर देंगे इतना प्रबल रुपया। सागा के फाइनेंस डिपार्टमेंट के कर्ता धर्ता श्री आर के शेट्टी, जिनका मार्गदर्शन सागा के सुरक्षित आर्थिक विस्तार का मूलाधार है। 42 कंट्री का प्रेसिडेंट रह चुका हूं, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, पूरा मिडल ईस्ट, पूरा यूरोप। कई कंपनी मुझे अप्रोच किया, कई कंपनी मेरे से बात किया, आप, हम चाहते हैं आप हमारा कंपनी के साथ भी एडवाइजर बन जाओ। और मैं अपना नाम और किसी को नहीं, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। हिंदुस्तान में अच्छे दिन आया कि नहीं आया पता नहीं है, बट इन 10 सालों में हम हमारा कंपनी का अच्छे दिन लाए दोस्तों, क्योंकि आज 10 साल कंपनी निकालना मतलब ये होता है कि हमने इस देश में 2 सरकार को देखा है, कितने कठिन थे सिचुएशंस, कितने सरकार का रूल्स रेगुलेशंस, उनकी कितने रिक्वायरमेंट्स, ये सारे चीज को पूरा करता हुआ आज हम हमारा कंपनी को बढ़ते हुआ बढ़ते हुआ बढ़ते हुआ देखने जा रहे हैं। कोई काम करने के लिए सिचुएशन कभी भी परफेक्ट नहीं होता, सिचुएशन को परफेक्ट बनाना ये हमारा हाथ में होता है, और हमारा सागा प्रभु इस चीज को कर चुके हैं। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, तो आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। यही सीख देने वाला इकबाल कोई कैसे भूल सकता है। डोर, गोलमाल, ओम शांति ओम, जोकर, पोस्टर बॉयज जैसे कई फिल्मों द्वारा बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले सुपरस्टार
श्रेयस तलपदे। सपने अगर पूरे करने हैं तो आपको दो चीजें चाहिए। एक तो आपके पेट में भूख चाहिए, आपके जिगर में आग चाहिए, और आपको ये समीर भाई जैसा एक मेंटर चाहिए। तो आपके सपने पूरे करना ये भाई साहब अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं। पागल समझता है, सही समझता है, पागल है तो है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। ये बात जहन में भरने वाले सागा के प्रशिक्षक श्री संजय मोदगिल, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी करने के मंत्र सिखाने वाले सागा के महागुरु श्री संजय मोदगिल, जिनके हौसलों में दम है वो हर कोई सागा के झंडे तले अपनी मंजिल पा सकता है, समृद्धि का गौरवशाली इतिहास रचा सकता है। हौसलों को बुलंद करने की क्षमता जागृत करने वाले श्री संजय मोदगिल। चल 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 अब उठ भी जा, नस नस में तू जोश जगा, कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना। मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, जीतना चाहे घर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight. आज के इस युग में आप अर्जुन हैं, मैं अर्जुन हूं, हम सब अर्जुन हैं, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर हैं। और आज के इस युग में हम एक बात तो ठान ले, मान ले, नहीं भी समझ में आता है तो जान ले कि हमें हमारा कृष्ण मिल गया है। सागा का बिजनेस सारे भारत देश में फैल चुका है। भारत को आर्थिक महासत्ता का सरताज बनाने का समीर जी का सपना बेशक मुश्किल तो है, लेकिन अपने नेतृत्व गुण से उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है उससे असंभव का परिवर्तन संभव में हो रहा है। उड़ने का वक्त आ गया है तो कहां उड़ा जाए, चलो लेट्स गो इंटरनेशनल। अब तो सागा ने ली है विदेश काबिज करने के लिए उड़ान। पुराने जमाने में धन दौलत, जमीन ऐसे संसाधन तलवार से जीते जाते थे, आज व्यापार के जरिए हासिल किए जाते हैं। जंग का रंग अब बदल गया है। महान विजनरी समीर जी ने ये जाना पहचाना, तभी तो आर्थिक आजादी के इस जंग का सामना पूरे होश और जोश के साथ करने का उन्होंने निर्णय लिया। देश के कोने कोने से गरीबी के धूल मिट्टी में फंसे हुए हीरे मोतियों को समीर जी की बुद्धिमान जौहरी नजर ने तराशा, चमकाया, सफलता हासिल करने के लिए काबिल बनाया। साधारण लोगों को प्रशिक्षित करके हमारी देश की अर्थव्यवस्था को प्रबल बनाने में समीर जी का योगदान अतुलनीय है। से मधुर संगीत ना सुनाई देता अगर राहों में उनके पत्थर ना होते। इंसान असफल तब नहीं होता जब वो हार जाता है,
असफल तो तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। जब आप कुछ नया, कुछ अलग करने जाते हैं तो हार की संभावना तो बनी रहती है। और ये भी सच है कि डर के आगे ही जीत होती है। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सिर्फ 10 सालों में इंटरनेशनल लेवल पर सागा अपना अस्तित्व साबित कर रही है। व्हाट नेक्स्ट, ये सोच हर कदम हर समय करने वाले समीर जी अपने ही सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हुए पहुंच गए सरीना पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी तक। एडवर्टाइजमेंट का महत्व तो सब जानते हैं, इससे मिलती है प्रोडक्ट की जानकारी, बढ़ता है इंटरेस्ट, निर्माण होती है इच्छा खरीदारी की। बढ़ती हुई कंपटीशन में प्रोडक्ट का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए जरूरी होती है एडवर्टाइजमेंट। इस मायावी इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन काम करने वाली सरीना पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी, समीर जी ने उस पर सागा इंटरनेशनल का झंडा लहराया है। अब सागा से जुड़े सारे लोग मालिक बन गए हैं सरीना के। समीर जी के मार्गदर्शन पर सरीना के साथ आपका भी भविष्य उज्जवल है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत जरूरी होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का हो या कैरियर का। समीर जी में वो ताकत है, तभी तो पैरामाउंट नेचुरल रिसोर्सेस कंपनी का उन्होंने निर्माण किया है। जागतिक स्तर पर हर देश का मूल्यांकन उसके नेचुरल रिसोर्सेस और गोल्ड रिजर्व से होता है। ये इतनी बड़ी ताकत है कि देश की करेंसी की वैल्यू भी इस पर निर्भर होती है। समीर जी ये जानते हैं कि जब तक भारत दुनिया को व्यापार में चुनौती नहीं देगा, तब तक हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। आज समीर जी की पैरामाउंट नेचुरल रिसोर्सेस ने कई विदेशी सरकारों के साथ भागीदारी की है और गोल्ड, आयरन, क्रूड ऑयल, मिनरल्स के खदानों में अपना सिक्का जमा लिया है। सोने में इन्वेस्ट करना सब पसंद करते हैं, क्योंकि जब दूसरी संपत्तियां अपना मूल्य खोने लगती है तब सोना उस गिरावट से बचा रहता है। देश की अर्थव्यवस्था में भी सोने का बहुमूल्य योगदान होता है। एक साथ ज्यादा से ज्यादा कितना सोना खरीद पाएगा कोई? 10 ग्राम, 50 ग्राम, चलो 500 ग्राम। लेकिन समीर जी की पैरामाउंट नेचुरल रिसोर्सेस ने खरीद ली है मेक्सिको की 2 गोल्ड माइन। लोह दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला धातु, डिमांड जितनी ज्यादा उतना मुनाफा ज्यादा। समीर जी ने मेक्सिको स्थित आयन ओवर में पैरामाउंट की 70% पार्टनरशिप ली है।
दुनिया में क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था चलती है। इसके सस्ता और महंगा होने का सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। इससे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम गैस प्राप्त होते हैं। समीर जी की सोच की रफ्तार इतनी तेज है कि आने वाले बेहतरीन कल का इंतजाम वो पहले से ही करके रखते हैं। तभी तो कनाडा की लीवेंट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इनकॉर्पोरेशन में 60% पार्टनरशिप आपके पैरामाउंट नेचुरल रिसोर्सेस की है। एवलॉन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, टेक्सास, यूएस। इस रिफाइनरी के मालिक आप हैं। यूरोप के क्रोएशिया ऑनशोर एक्सप्लोरेशन के मालिक भी आप ही हैं। इतना ही नहीं, केनिया का फ्लोर स्पार, ये मिनरल प्लांट भी अब आपका है। आत्मविश्वास का इससे बेहतरीन उदाहरण और कहीं नहीं मिलेगा। समीर जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं, ये आज तक साबित हुआ है और इस बार भी वो खरे उतरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब उम्मीदें टूटती हैं कुछ लोग बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देते हैं उनको रोकना नामुमकिन है। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। समीर जी के दिल में अपने काम के प्रति इतना जुनून है, इतना दीवानापन है कि इन्हें देखकर लोग मोटिवेट हो ही जाते हैं। यही जुनून, यही पागलपन आपका हर सपना पूरा कर सकता है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यू समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा। हजार बार फेल होगा वो, लेकिन उसका पागलपन उसे और एक बार ट्राई करने पर मजबूर करेगा, और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता उसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, जिद्दी इंसान इतिहास बना लेता है। बस खुद की सुनता पाते ये ये ये। जाते ये ये ये।
जो नसीब में लिखा है वो तो मिलना ही है। मजा तो तब आता है जब नसीब को पीछे छोड़ हम अपनी वो मंजिल पा लें जिनकी हमें चाह है। तो फॉर्च्यूनर के बाद आपको पता है 25 करोड़ रुपए चैंपियन क्लब, उसमें आपको मिलेगी मर्सिडीज बेंज की एक्सयूवी गाड़ी। नेक्स्ट लेवल 100 करोड़ पे एक शानदार बंगला, एक ऐसी कोठी कि हर आने जाने वाले की नजर आपकी कोठी पे जरूर पड़ेगी। अब देश में तो बंगला बना लिया 250 करोड़ पे, देश के बाहर बीच के सामने आपका अपना सेकंड होम। ₹500 करोड़ पे आज जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स दिखाए ना, देखे ना आपने, उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट में आप एक शेयर होल्डर, डायरेक्टर और पार्टनर होंगे। एक कमी और रह गई है मुझे लगता है, करियर किसे बोलते हैं बता दूं? 1000 करोड़। कितना? 1000 करोड़ आपका अपना प्राइवेट जेट विमान। सब कुछ तैयार है, आप तैयार हो जाओ। तुम्हें दिख चुका है आज हम हिंदुस्तान में नंबर वन हैं, तुम्हें दिख जाएगा हम दुनिया में नंबर वन हो जाएंगे। आज हमारी कंपनी इतने बड़े बड़े देश US, कनाडा, केनिया, यूरोप, कितने देश, इतने जगह जाके आज हम बिजनेस करने जा रहे, और सारे आंकड़े जो समीर जी आपको बता रहे थे डॉलर में, मिलियन डॉलर में, बिलियन डॉलर में, इसको कोशिश कीजिए थोड़ा सा आपका दिमाग में डालने के लिए। एक ही इसमें आपको बताऊंगा, $1 70 का होता है, $1 बिलियन मतलब $10 लाख के होते हैं, $1 मिलियन $10 लाख होता है, $10 लाख मतलब ₹7 करोड़ होते हैं। आप सबको समझ में आया कंपनी किस स्तर पे पहुंचा है? यमुना दास का नंद लाला, लक्ष्मण का गोपाला है, दुनिया भर में सागा का ही भैया बोल बाला है। आज से हम लोग हकीकत में उड़ने लगे हैं। लोग कहते थे ना ज्यादा उड़ो नहीं, अब हम कहते हैं उड़ो दोस्त जितना उड़ना, सारा आसमान आपका है। मौके जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं, और यदि मौके मिलते हैं तो उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार मौके हमारे पास में आते हैं और मौके आने के बाद हम उनको समझ नहीं पाते, उनको पहचान नहीं पाते, और कहीं ना कहीं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक अच्छा मौका भी आपसे जा सकता है। तो जब मैंने देखा कि इन्होंने सागा को इंटरनेशनल ले गए ना, तब मैंने भी ठान लिया बॉस मैं भी इंटरनेशनल फिल्मों में काम करूंगा, मैं भी हॉलीवुड की फिल्मों में काम करूंगा, और ये मैं करके दिखाऊंगा। क्यों पता है आपको? क्योंकि जो भी इंसान सागा परिवार से जुड़ जाता है वो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है। उनकी मेहनत है जिसका वजह से आज हमारी कंपनी नेशनल से इंटरनेशनल में गए हुए। सब संभव हुआ है सागा प्रभु के वजह से। हम तो हमेशा कहते थे कि सघन वन और अंधेरा मूक नियंत्रण चलना है, अरे अभी विश्राम कहां, बहुत दूर तक चलना है, बहुत दूर तक चलना है, बहुत दूर तक चलना है। आप लोग जो लोगों को वादा करके आए उस वादा को पूरा करना है,
हमको लोगों का मैच्योरिटी आज तक पिछला 10 साल में हर वक्त टाइम टू टाइम या टाइम से पहले हम दिए हैं, इस बार भी आने वाले दिन में भी हमने उनको देखना है। देखो जो डर था वो निकल जाता है तो आदमी सारा घर का पैसा निकाल के अपनी सुरक्षित जगह पर रख लेता है। यहां से जाने के बाद आप लोगों का वो डर निकाल सकते हो कि भाई हम पैसा कहाँ लगाते हैं वो तो आपने देख ही लिया, कितना लोन बांटते हैं वो आप देख ही रहे हो। सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। ये कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदल किनारे बदल जाएंगे। हम सब अपने अपने घरों से निकल के जो इस घर में आए हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए हौसला जज्बा जुनून सब लेके आए हैं। आए हैं या नहीं? ये जो यस की आवाज आती है आज बहुत आसानी से आती है, 10 साल पहले नहीं आती थी, क्योंकि आज जो पीछे खड़े हैं 300 से ज्यादा स्कॉर्पियो चैलेंजर अचीवर्स हैं या नहीं? उनके आगे अचीवर्स हैं, उनके आगे अचीवर्स हैं, उनके आगे अचीवर्स हैं, और जो टॉप अचीवर हैं उनके आगे 10 और पायदान हैं। अब तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। हम हिंदुस्तान का आर्थिक आजादी देके ही रहेंगे और इतिहास गवाह है, जब जब जो जो सपना मैंने देखा है पूरा तो हुआ ही है। यहां आ गए हो, सारी चीजें हम दे रहे हैं, सिर्फ आपको अपने अंदर का वो जज्बा जगाना है, वो जुनून जगाना है। ये सब देखने और सुनने के बाद आप मोटिवेट तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन क्या ये जुनून ये पागलपन आपके भीतर ला पाएंगे? इसी पर निर्भर होगा आपका आने वाला कल। कामयाब इंसान जानता है कि उसे उसका पैसा और वक्त कहां पर निवेश करना है। आपको आपका वक्त ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आगे जाकर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे। अगर आज आपने आपके वक्त की कदर नहीं की तो कल आपका वक्त आपकी कदर नहीं करेगा और दुनिया भी। बुरे वक्त में भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वक्त की एक खासियत है, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो ये बदलता जरूर है। इस दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं जो अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं जो आने वाले वक्त को ना बदल सके। वक्त बहुत बड़ी चीज है, ये आपको हीरो भी बना सकती है और जीरो भी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हम वो लोग नहीं हैं जो किसी को कॉपी करते हैं, हम वो लोग हैं जो अपना ट्रेंड बनाते हैं और हमें देखकर लोग हमारी कॉपी करते हैं। यस और नो? आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं।
नया खून है नई उमंगे अब है नई जवानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। जो हमारा क्लोजिंग हो जाता है 15 दिन में उसमें करीब 10,000 पे आउट अपनी कंपनी से जाते हैं। 10,000 पे आउट का मतलब होता है कि 10,000 घरों के चूल्हे जल रहे हैं। छोटी बात है हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने कितने ही अजंता हमको और सजाने अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का कितने पर्वत राहों से है आज हटाने नया खून है नई उमंग अब है नई जवानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। कोई भी मौका छोटे से छोटा पकड़ लो और उसका अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत। इस देश का आर्थिक आजादी तब मिलेगी हम दुनिया का सामने तब हम खड़ा रहेंगे कि हम अच्छे काम करके हमारा साथियों को भी साथ में लेके ऊपर जाए। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए अपने हाथों को अपना भगवान बनाए राम की इस धरती को गौतम की भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए नया खून है नई उमंग अब है नई जवानी। हम लोग जिस रास्ते पे चल पड़े हैं रूरल इंडिया हम लोग कवर करेंगे। छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी हर जर्रा है मोती आंख उठाकर देखो माटी में सोना है हाथ बढ़ाकर देखो सोने की ये गंगा है चांदी की यमुना चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो नया खून है नई उमंग अब है नई जवानी हम हिंदुस्तानी 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 हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी।